ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में औरतों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर है। मैं डॉक्टर चारू गर्ग, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एट मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर दिल्ली, आज आपसे बात करूंगी रेडिएशन थेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ये बेसिकली मेनली चार मोडालिटीज से होता है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और कुछ केसेस में इम्यूनोथेरेपी भी इसका पार्ट बनते हैं। रेडिएशन थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये उसी हिस्से में बीमारी को वापस आने से रोकती है। ये किन महिलाओं को दिया जाता है? जिन पेशेंट्स में ब्रेस्ट पूरा नहीं निकाला जाता, सिर्फ गांठ ही निकाली जाती है, उसमें रेडिएशन थेरेपी देना अनिवार्य है। और कुछ केसेस में जो पूरा स्तन निकाल दिया जाता है उसके बाद भी रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। रेडिएशन थेरेपी बेसिकली एक ओपीडी प्रोसीजर है। आप आते हैं, इसे 15 से 20 मिनट डोर टू डोर लगता है, आप करा के इसे घर वापस चले जाते हैं। ये जो रेडिएशन थेरेपी का पूरा कोर्स है ये 3 से 5 हफ्तों का होता है और कुछ अर्ली स्टेजेस में हम इसे 2 हफ्ते या 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी हफ्ते में 5 दिन दी जाती है, सोमवार से शुक्रवार, और शनि रवि छुट्टी रहती है। रेडिएशन थेरेपी शुरू करने से 3 से 4 दिन पहले हमारे को उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम एक प्लास्टिक मोल्ड बनाते हैं और एक सीटी स्कैन करते हैं, जिससे कि आपकी जो रेडिएशन थेरेपी है वो एक्यूरेटली उसी जगह पर जाए और आपके जो आसपास के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे हृदय, लंग्स या खाने की नली, इसे हम बचा पाएं। रेडिएशन थेरेपी डिफरेंट टेक्निक से करा जाता है, जैसे कि 3DCRT, IMRT, IGRT और DIBH। आपके डॉक्टर आपका केस देखकर ये निर्धारित करते हैं कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट होगी। तो रेडिएशन थेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इसके होने से हम ब्रेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं जो कि हम एक मैस्टेक्टोमी या पूरा स्तन निकालने पर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने डॉक्टर से इसके बारे में पूरी जानकारी लें, बात करें और फिर डिसाइड करें। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.